कई बार हम अपने जीवन में खुशी को महत्व कम देते हैं, दूसरी बातों को महत्व ज्यादा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अकारण ही हमारे अंदर खुशी गायब हो जाती है। उसका कारण कोई दूसरे भी हो सकते हैं। दूसरे का प्रभाव पड़ जाता है, किसी का बोल का प्रभाव पड़ जाता है, किसी के अनैतिक धन का प्रभाव पड़ जाता है, किसी ने कुछ हमको गलत शब्द बोल दिया उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे कारणों से भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। ये सत्य है कि खुशी के पीछे पड़ने वाले चोरों की कमी नहीं है, क्योंकि ये खजाना है। और किसी को खुश देखकर लोग कई बार सहन भी नहीं कर पाते, सोचते हैं कुछ ना कुछ किया जाए, ये बहुत खुश रहने लगे हैं, क्या माजरा है। लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि लोग सवेरे उठते हैं कई दिन खुश और कई दिन बिना मतलब मूड ऑफ उठते, उदासी से भरा हुआ मन, चेहरे पर जैसे कुछ बहुत एक मार पड़ दबाव गई हो मनुष्य के जी ऊपर, ऐसी फीलिंग। तो अनेक कारण खुशी को नष्ट करने वाले हैं, परंतु यदि हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, जब हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो देखा जाता है कि हम उन छोटी चीजों को सहज समाप्त करते जाते हैं। हमने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा बहुत वर्षों की अनुभव मिलाई है, अनेक बातें जीवन में रोज ही आती रहती हैं, किसी के कमेंट्स, किसी का टोन्टिंग, किसी की आलोचना, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें खुशी को छीनने लगती हैं। परंतु हमने इस पर अच्छे अच्छे काम किए, जैसे लोग क्या कहेंगे या लोग क्या क्या कहते हैं। हमने अच्छा कार्य किया, शुरुआत की थी मैंने, एक क्लास कराई, 10 लोगों ने वाह वाह की, 4 लोगों ने ये भी कहा क्या क्लास करा, इधर प्राय बैठा होता के करा है दी। भाई साहब जी। तो पहले दिन तो मेरी खुशी चली गई, यार मैं तो बड़ी अच्छी तैयारी करके क्लास कराई थी, इनको अच्छा ही नहीं लगा, शायद मेरे से कुछ गलती हो गई है। धीरे धीरे मैं कराने लगा कराने लगा, और फिर मुझे समझ में आ गया कि लोगों की आदत है कुछ ना कुछ बोलना, तो मैं अपना कार्य करते चलना है, जी लोग क्या कहते हैं और वो क्या कहेंगे। अगर तुम सत्य मार्ग पर हो, अगर तुम एक अच्छा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो तुम ये बिल्कुल न सोचो लोग क्या कहेंगे। अच्छी तरह विवेकपूर्ण होकर चिंतन कर लो कि सचमुच ये श्रेष्ठ कार्य है, इसमें सबकी भलाई है या इसमें मेरा कल्याण होगा, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, मेरे जो आंतरिक टैलेंट्स हैं उनका विकास होगा। तो फिर मैंने ये इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि नहीं, लोगों के कहने से यदि मैं रुक जाता हूं तो मैं तो रुक गया, मुझे जो बड़े कार्य करने वो कौन करेगा, फिर वो तो खुश हो जाएंगे कि हमने तो इसको रोक दिया। तो मुझे उनको हरा देना है, मुझे उनकी विजय नहीं होने देनी है, यानी मैं खुश रहूंगा, मैं अपनी उमंग को समाप्त नहीं करूंगा, जिस पथ पर मैं चला हूं उसमें तेजी से उमंग उत्साह से आगे बढ़ता चलूंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, क्रिटिसिज्म का, आलोचना के, निंदा के, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ गए जीवन में। तो एक लक्ष्य बना लिया कि खुशी बहुत बड़ा खजाना है। ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन इनके आधार से हमें इस खजाने को गंवाना नहीं है। और ये अनुभव में आ गया कि अगर हम खुश रहते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, तो बुद्धि परफेक्टली काम करती है। जरा सा मूड ऑफ हो जाए, जरा सी भी नाराजगी असंतुष्टता हो जाए, तो मन पर उसका ऐसा गहरा असर आता है, मन विचलित होता है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती, और हम जो कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।